नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं आपके प्रसन्न आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं सुबह सवेरे की। हिंडौली में जहां महामारी के चलते देश और दुनिया में लोगों में अपने अपने घर पहुंचाने की होड़ लगी, जिसके चलते पलायन भी एक बड़ी समस्या बनकर उभरा। जहां लोगों ने हजारों व सैकड़ों किलोमीटर भी वाहन से व पैदल चलकर अपने घर आसरा लिया। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने को लेकर अशोक चांदना के हाथों प्रशासन को 51,000 रुपए का चेक दिया गया। राजधानी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जयपुर कलेक्टर से मिलकर राहत सामग्री पहुंचाने में हो रहे भेदभाव पर नाराजगी प्रकट की। फुलेरा में देश में कोरोना वायरस को लेकर हुए लॉकडाउन के दौरान लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, जिसके कारण जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए चलते कुछ लोगों ने हनुमान जयंती पर कस्बे के पुराना फुलेरा स्थित प्राचीन पंचमुखी बालाजी मंदिर परिसर में हनुमान विकास समिति के तत्वावधान में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह के आतिथ्य में खाद्य सामग्री के 151 पैकेट वितरित किए। बस्ती क्षेत्र में वैश्विक महामारी कोरोना COVID-19 के बचाव के लिए बस्ती ब्लॉक के निजी शिक्षक संस्थानों के द्वारा स्कूल शिक्षा परिवार व जयपुर ग्रामीण शिक्षा समिति के पदाधिकारियों के द्वारा बस्ती विधायक लक्ष्मण मीना व उपखंड अधिकारी रामकुमार वर्मा को गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सामग्री के 150 पैकेट व 11,000 रुपए नगद राशि का चेक दिया गया। बस्ती क्षेत्र के जटवाड़ा में कोरोना महामारी के चलते वार्ड नंबर 7 और 8 में बैंक ऑफ इंडिया के पास युवा समाज सेवी बंटी गुजर की सहायता से 25 गरीब परिवार को खाद्य सामग्री वितरित की गई। बस्ती में कोरोना वायरस संक्रमण के दौर से गुजर रहे राजस्थान प्रांत के द्वारा स्थापित मुख्यमंत्री सहायता कोष COVID-19 में दिनांक 8 अप्रैल 2020 दोपहर 1 बजे रायगढ़ समाज विकास एवं सेवा समिति तहसील बस्ती के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष घासीराम खोलिया के नेतृत्व में जरूरतमंदों को सहायतार्थ के लिए 51,000 रुपए का चेक योगदान स्वरूप तहसीलदार प्रेमराज मीणा को सौंपा। बूंदी जिले के डाबीबरण क्षेत्र में हनुमान जन्मोत्सव पर धनेश्वर चौराहा बालाजी के मंदिर पर सभी ग्रामवासियों ने मंदिर परिसर में पूरे प्रांगण में पक्षियों के लिए परिंडे बांधे। हिंडौली में राजस्थान के खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने पहुंचकर क्रिकेट एसोसिएशन हिंडौली का किया उत्साहवर्धन। भीलवाड़ा में कोरोना की जांच के लिए मेडिकल कॉलेज में बनाई गई मिनी लैब जल्द ही शुरू होने वाली है। महारानी विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में सांगनेर में चिकित्सा विभाग के द्वारा तैयार की गई लैब ICMR की परमिशन से जल्द ही सजग होने से टेस्ट के रिजल्ट 5 घंटे में ही मिल जाएंगे। दौसा जिले के उपखंड लालसोट मुख्यालय के गांव निर्जना में अचानक आग लग जाने से 10 जिंदा बकरियां सहित लाखों रुपए का नुकसान हो गया। युवा सामाजिक कार्यकर्ता उमेश मंडावत ने बताया कि गांव निर्जना की भाटाड़ा धाणी के पास नरसिंह महावर पुत्र जयनारायण महावर एवं रामावतार महावर पुत्र नरसिंह महावर के घर में अचानक आग लग जाने से 50 मण गेहूं, 40,000 की नकदी, 10 बकरियां एवं पशु सहित घरेलू सामान जलकर राख हुआ। कोटा में आज फिर एक अनोखी पहल देखने को मिली, जहां कोटा अपने देश में पहचान शिक्षा में काशी के लिए हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जाना जाता है। वहीं कोटा का विज्ञान नगर क्षेत्र में एक अनूठी पहल देखने को मिली, जहां राधे श्याम पेंटर एंड पार्टी ने अपने द्वारा विज्ञान नगर क्षेत्र के DCM रोड पर कोरोना से बचाव एवं घर में रहिए सुरक्षित रहिए जैसे समाज को जागरूक करने वाली बातें विज्ञान नगर थाने को लिखी हुई मिली। बूंदी जिले के डाबी में देश में फैल रही कोरोना वायरस संक्रमण की महाबीमारी को लेकर एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर बूंदी को चेक सौंपा गया। कोरोना वायरस से बचाव हेतु सैनिटाइजर कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल स्टोर, मुख्य बाजार, ग्राम सेवा सहकारी समिति, पंचायत भवन, बस स्टैंड तुंगा आदि थाने पर सैनिटाइज किया गया। बारा में जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रवि सबरवाल के नेतृत्व में बुधवार शाम बारा शहर में अधिकारियों पुलिस के जवानों ने विशाल फ्लैग मार्च निकाला। सुबह सवेरे में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।